हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रेविंग्स में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि राजस्थान की बहुत मशहूर है और यह है गट्टे की सब्ज़ी। जब आपके पास कोई भी सब्ज़ी ना हो घर में तो आप इसे बना के इसका आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए गट्टे की सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गट्टे बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पर हमने लिया एक कटोरी बेसन, उसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। आप तीखी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिया है कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप जब भी इसे डालें हाथों से ऐसे मसल मसल के डालें इसके अंदर। और ये देखिए इस तरीके से हमने डाल दिया है। और यहाँ पर ये हमने दी है एक टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन आपके डाइजेशन में भी हेल्प करती है तो इसको भी डालना ज़रूरी है। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें एक चम्मच देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पे सरसों का तेल या कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सूखे मसाले घी और बेसन है इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नहीं तो क्या होता है कि जो कई मसाले होते हैं वो एक कोने में पड़ जाते हैं तो गट्टा कहीं पर कम स्वाद, कहीं पर नमक ज़्यादा, ऐसा लगता है। और ये देखिए सारे मसाले मिक्स करके अब हम इसमें लेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी, ना बहुत ज़्यादा ठंडा और ना बहुत ज़्यादा गर्म। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते रहेंगे और जैसे हम मुठियाँ बनाते हैं ना, उस तरीके से इसको हमें एक डो बनाना है। डो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा गट्टे का डो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है देखिए। और अब हम इसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और ऐसे बॉल्स को ऐसे रोल करेंगे हम और एक सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे, जैसे आपने गट्टे देखे होंगे ये। और इसमें ध्यान रखें कहीं पे भी ना बीच में क्रैक्स नहीं आनी चाहिए, दरारें जैसी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप उसे मसलिए और जब आप मसलेंगे उसमें आप देखेंगे जो हमने घी डाला हुआ है ना, उससे इसमें हल्की सी शाइनिंग आ गई है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपके गट्टे बिल्कुल, जो उसका डो है गट्टे का, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए हमारे सारे गट्टे बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब बारी आती है गट्टों को बॉईल करने की। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 कप पानी लिया है और इस पानी को हम पहले बॉईल करेंगे। ठंडे पानी में गट्टे बिल्कुल भी न डालें। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है और यहाँ पे हम अपने सारे गट्टे जो हमने बना के रखे थे वो रोल, वो इसके अंदर डाल देंगे। पहले 2 मिनट के लिए तो हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। और ये देखिए ढक्कन लगा दिया है और बीच बीच में आप इसे देख सकते हैं कि कहीं गट्टा आपका चिपक तो नहीं रहा है। और जब 2 मिनट हो जाएँ तो आप हल्का सा इसे चेक कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, नीचे से हल्का सा हिला सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे हम इसे 8 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि जो है गट्टे अंदर तक अच्छे से पक जाएं। और जब तक हमारे गट्टे बॉईल हो रहे हैं तब तक हम उसकी ग्रेवी की तैयारी शुरू कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप दही। मैंने ये घर की जमाई हुई दही ली है, आप मार्केट की भी ले सकते हैं। और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले। यहाँ पे हमने डाला थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, एक चुटकी मैंने डाली है हल्दी पाउडर और यहाँ पे 1.5 छोटी चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला, घर का गरम मसाला है ये। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दही के अंदर सारे मसाले मिक्स हो जाएं। ये देखिए सारा जो मसाले हैं वो घुल मिल गए हैं। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं थोड़ी लाल मिर्च, आप अगर तीखा कम पसंद करते हैं तो आप इसको अवॉइड कर दीजिए। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा जो टाइम है गट्टे का वो भी हो चुका होगा, इसको हम मिक्स करके साइड रखेंगे और गट्टों को देख लेते हैं। तो गट्टे हो चुके हैं और गट्टे को पहचान ये होती है कि उबल गए। अगर आप देखेंगे ये देखिए इसके ऊपर जो छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे हैं ना, अगर गट्टों के ऊपर ये आ गया है तो इसका मतलब गट्टे उबल गए हैं। तो टोटल 10 मिनट लगे हमें इसे उबलने में। और अब इसको हम क्या करेंगे कि जो गट्टे हैं इसी को इसी पानी में छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। मैं 1 इंच के टुकड़े काट रही हूँ, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा पीस बना सकते हैं। और इसे साइड रख देंगे। और अब करते हैं हम इसको तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने एक कढ़ाई में लिया है घी। यहाँ पर मैं घी का ही यूज़ करी क्योंकि गट्टे की जो सब्ज़ी है उसका स्वाद ही घी में आता है। घी गर्म होने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 5-6 कलियाँ लहसुन की बारीक कटी हुई। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को आप अवॉइड कर दीजिए। लहसुन को हम अच्छे से मैं घी में भून लेंगे ताकि जो इसका फ्लेवर है, इसकी खुशबू है, वो आ जाए। यहाँ पर मैंने डाली है 2 हरी मिर्च। याद रखें कि आपने लाल मिर्च भी डाली है तो हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पर डाला है जीरा, इसको भी हम भून लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, वो हम इसके अंदर डालेंगे। और अब हम इसे भून लेंगे और इसको भूनने में हमें लगेंगे लगभग 2 मिनट। तो प्याज हमारा भून चुका है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी इसके अंदर इसको। और यहाँ पे थोड़ा सा हम डालेंगे लाल मिर्च
और जैसे ही लाल मिर्च आप इसके अंदर डालें ना, आप फटाफट से जो है गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर दें और इसको चला लें, मिक्स कर लें, क्योंकि जो लाल मिर्च है वो जल जाती है, उसका जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाता है। और उसके बाद तुरंत जो हमने दही का जो पेस्ट बना के रखा था घोल बना के, वो हम डालेंगे। और यहाँ पे भी आप एक मिनट के लिए गैस को बंद कर दें या बिल्कुल लो पे रखें और कंटिन्यूस आप इसको चलाते रहिए, क्योंकि जो दही होती है वो जैसे ही आप उसको फ्लेम में डाल के पकाना शुरू करते हैं ना, वो फटने लग जाती है, पानी अलग हो जाता है, दही अलग हो जाती है। ये देखिए, इस तरीके से कंटिन्यूस आप इसको चलाते रहे और जिस बर्तन में हमने दही डाली थी उसी में से लगभग आधा कटोरी के करीब मैंने पानी डाल के इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसे पकने देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जो गट्टे हमने लिए थे, वो पानी समेत ही हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये देखिए, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे ढक्कन लगा के। तो 4 मिनट हो चुके हैं और ढक्कन हटा के देखते हैं, सब्जी में अच्छा खासा उबाल आना शुरू हो गया है, जो हमारे गट्टे हैं वो सारा रस पी रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हिला के दोबारा ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट के बाद हम दोबारा देखते हैं इसे। देखिए जो सब्जी की जो हमारी ग्रेवी है ना, वो थोड़ी थिक होनी शुरू हो जाएगी और जो घी है वो तैर के ऊपर आ गया किनारे किनारे पे। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दी है और हम इसको ऊपर से डालेंगे, गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। हरा धनिया बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इसमें। तो ये हमारी गट्टी की सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।